और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं सीमा हैदर के ग्रेटर नोएडा रबुपुरा वाले घर पर। हमारे सहयोगी दिव्यांकर मौजूद है और उनके साथ सीमा हैदर क्या कह रही है सुनते हैं। आरोप लग रहा है कि जो शादी वाली बात आप कर रही थी, पशुपतनाथ मंदिर में शादी हुई, वहाँ के जो पुजारी हैं उनका सबका कहना है कि इस मंदिर में शादी नहीं होती, आप लोगों ने होटल में शादी की, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगी। हाँ, हमने वहाँ, इन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया, मांग भरी, ऐसा वहाँ पे कोई हमें रोका सुख टोका ही नहीं करी। हम दोनों साथ में थे, पूरी मंदिर की वीडियो है, पर वो वीडियो नहीं, जब मुझे पहना रहे वो वीडियो नहीं हम पे, तब हमें किसी ने रोक टोक नहीं करी थी। शायद हम अकेले खड़े थे या कोई नए थे या किसी हम पे नजर नहीं थी, इसलिए। हाँ, इन्होंने मुझे मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया। कहाँ हुई? मंदिर में, होटल में? इन्होंने मुझे वहीं पहनाए थे, पशुपतिनाथ में पहनाए, मंदिर बिल्कुल। वहाँ इतनी रश नहीं थी, रश तो थी आगे की तरफ, हमने पीछे की तरफ करी थी। वो पूरा मंदिर में मुझे याद है, बहुत अच्छा, बहुत शांति वाला था। हम ऊपर तक गए, एक टैक्सी ड्राइवर भी वहाँ पे था, उन्होंने छोड़ा, उन्होंने बताया कि ये चीज़ें यहाँ यहाँ होती है। आपके वो पाकिस्तान डिपोर्ट करने वाली बात हो रही है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं सर, मैं वापस नहीं जा सकती, ऐसे तो मुझे मौत के मुँह में भेजा जाएगा। मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ, मैं यहाँ जीने के लिए आई हूँ, वहाँ से भाग के पाकिस्तान छोड़ के आई हूँ, यहाँ जीने के लिए आई हूँ। मुझे ये उम्मीद नहीं होगी, मुझे यकीन है योगी जी और मोदी जी पे ऐसा नहीं कर सकते। मैं बेटियों के साथ हूँ, मेरा यहाँ जीवन है, वहाँ मेरी मौत है। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप कई तरह के झूठ बोला आपने कहा सोनोली नहीं, जो जहाँ से आपने एंट्री की थी, आपने सिद्धार्थनगर बॉर्डर से एंट्री की थी, सोनोली बॉर्डर से नहीं की थी, लेकिन आपने कह रही थी आप सोनोली बॉर्डर से आपने। मैंने कभी नहीं कहा मैंने सोनोली बॉर्डर से एंट्री करी, पहली बार ये मुझसे मिलने आए थे, इन्होंने करी थी, मैंने कभी भी नहीं कहा। गौर में जाके देखे, कोई भी वीडियो में जाके देखे, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सुनील बॉर्डर से हूँ, और मुझे इतना हिंदी पढ़ना आता ही नहीं, तो मुझे पता नहीं मैं कौन से बॉर्डर से आई हूँ। मैंने ये बताया कि हाँ, बॉर्डर के बाद में पेट्रोल पंप मिला था, भारत में आते ही जैसे बॉर्डर क्रॉस करा साइड में पेट्रोल पंप था, इतना मैंने कहा, क्योंकि मुझे नाम अब भी नहीं पता। आपके परिवार के सदस्य कई सारे लोग पाकिस्तानी आर्मी में है, इसके चलते आपको कहा जा रहा है आप ISI के एजेंट हैं। पहली बात, जब मेरी सचिन की बात होती थी तब मेरे भाई मजदूर थे, 2022 में मेरे पापा की डेथ से 2 से 2.5 महीने पहले वो लगे हैं ड्यूटी में। तो जो मेरे चाचू हैं वो मेरे पैदा होने से पहले थे, और मैं एक गांव की रहने वाली हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। मैं मोहब्बत में आई हूँ, यही हकीकत है, और एक दिन सब मानेंगे। आपको भरोसा है कि आपको यहीं पर रुकने दिया जाएगा, क्योंकि आसपास के लोग कह रहे हैं कि आप यहीं पर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, जबकि जांच चल रही है, जांच में जो सारी चीजें साफ निकल कर आएगी, अगर आप पाक साफ होंगी जांच में तो आप यहीं रहिए, अगर जांच में आप गलत पाई जाती हैं, दोषी पाई जाती है, तो आपको सजा भी मिले। मुझे सजा कबूल है, अगर मैं दोषी पाई जाती हूँ, मैं सजा से मुकरती नहीं, कबूल है। अगर मैं निर्दोष होती हूँ, सिर्फ मेरा एक ही क्राइम होता है कि मैं बगैर वीजा के आई हूँ, मोहब्बत में आई हूँ, तो प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दिया जाए। वापसी मेरे लिए मौत के अलावा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में मेरे लिए कुछ नहीं रखा। आप लोग देखते हो किस तरह गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं मुझ पर, क्या मुझे रहने देंगे? मुझे डिटेंशन सेंटर आपको मंजूर रहेगा? मतलब डिटेंशन सेंटर मतलब जहाँ पे जो अवैध लोग से, जो लोग अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करते हैं उन्हें वहाँ रखा जाता है, कहीं भी रखें, मुझे सचिन और बच्चों के साथ रखें। मैं हर कानून को, जो सा कानून रखेंगे मैं वैसा करूँ। हर तरह से जो है वो राजी है सीमा है, इनका साफ तौर से कहना है। सीमा, जो ATS से लगातार जिनकी पूछताछ हो रही थी, और उसके बाद आज फिलहाल दो दिनों से लगातार जो ATS से पूछताछ हुई, उसके बाद आज जब वो वापस आए तो उनका साफ तौर से ये कहना है, चाहे जिस भी कंडीशन हो, कोई भी हालत हो, वो हर हाल में सचिन के साथ ही रहना चाहती है। कैमरा पर्सन धर्म के साथ दिव्यांकर तिवारी, EBP न्यूज, ग्रेटर नोएडा। तो हमारे सहयोगी दिव्यांकर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और दिव्यांकर जब सीमा से बातचीत कर रहे थे तो सीमा की तरफ से बस बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी, मैं मोहब्बत में हिंदुस्तान आई हूं, सचिन से प्यार करती हूं, जीने के लिए भारत आई, वापस अगर पाकिस्तान भेज दिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी, मार दी जाऊंगी, ये कहना है सीमा हैदर का। योगी जी मोदी जी से अपील कर रही है सीमा हैदर कि उसको वापस ना भेजा जाए, भारत में रखा जाए। मान रही है सीमा हैदर कि उसने गलती की, बिना वीजा के वो हिंदुस्तान आई, लेकिन दोहरा रही है अपनी बात को कि मोहब्बत में आई हूं भारत, यही मेरा सच है, प्यार करती हूं सचिन से, जीने के लिए आई हूं भारत, अगर वापस पाकिस्तान भेज दिया मुझे तो मैं मार दी जाऊंगी। हालांकि किस बॉर्डर से वो आई उसको लेकर उसकी तरफ से कहा गया कि उसको हिंदी पढ़ना नहीं आता, इसीलिए वो नहीं जानती वो किस बॉर्डर से आई। हाँ, वो बॉर्डर के रास्ते आई, वीजा उसके पास नहीं था, इस बात को भी मान रही है। शादी की बात को लेकर कहती है, मंदिर में ही मंगलसूत्र पहनाया था सचिन ने मेरे गले में, और मेरी मांग में सिंदूर भरा था, तो इस रूप में शादी कर ली वहां पशुपतिनाथ मंदिर में। साथ में ये भी कहती है कि शायद किसी ने देखा नहीं होगा इसीलिए टोका नहीं होगा, जब रिपोर्टर की तरफ से पूछा गया कि पशुपतिनाथ मंदिर में तो शादी की ही नहीं जा सकती है। तो ये तमाम जवाब जो सीमा हैदर की तरफ से दिए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं सीमा हैदर जो पिछले 36 घंटे से गायब नजर आ रही थी, पूछा जा रहा था आखिरकार सीमा हैदर कहां चली गई, आज सुबह
करीब एक घंटे पहले यूपी पुलिस की टीम, सीमा हैदर, सचिन भी साथ में नजर आ रहा है सीमा के, इन लोगों को लेकर सचिन के ग्रेटर नोएडा वाले रबुपुरा घर में पहुंची है और वहां यूपी पुलिस की फिलहाल मौजूदगी है। अपनी नजरों के सामने यूपी पुलिस मीडिया से सीमा हैदर की बातचीत करवा रही है और इसी दौरान सीमा हैदर ने एबीपी न्यूज संवाददाता दिव्यांकर से बातचीत की और इस बातचीत में सीमा हैदर की तरफ से फिर से दोहराया गया, मैं मोहब्बत में आई हूं हिंदुस्तान, मैं सचिन से प्यार करती हूं, अगर वापस भेज दिया पाकिस्तान तो मैं मार दी जाऊंगी, मोदी जी योगी जी से अपील करती हूं मुझे यहीं रहने दिया जाए, जहां भी रखेंगे मुझे सचिन और मेरे बच्चों के साथ मैं वहां रहने को तैयार हूं। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं सीमा हैदर ने एबीपी न्यूज संवाददाता दिव्यांकर से क्या कुछ कहा इस एक्सक्लूसिव बातचीत में। आपको पाकिस्तान डिपोर्ट करने वाली बात हो रही है तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं सर, मैं वापस नहीं जा सकती, ऐसे तो मुझे मौत के मुंह में भेजा जाएगा। मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ, मैं यहाँ जीने के लिए आई हूँ, वहाँ से भाग के पाकिस्तान छोड़ के आई हूँ तो यहाँ जीने के लिए आई हूँ, मुझे ये उम्मीद नहीं होगी। मुझे यकीन है योगी जी और मोदी जी पे ऐसा नहीं कर सकते। मैं बेटियों के साथ हूँ, मेरा यहाँ जीवन है, वहाँ मेरी मौत है। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप कई तरह के झूठ बोला आपने, आपने कहा सोनोली नहीं, जो जहाँ से आपने एंट्री की थी, आपने सिद्धार्थनगर बॉर्डर से एंट्री की थी, सोनोली बॉर्डर से नहीं की थी, लेकिन आपने कह रही थी आप सोनोली बॉर्डर से आपने। मैंने कभी नहीं कहा मैंने सोनोली बॉर्डर से एंट्री करी, पहली बार ये मुझसे मिलने आए थे इन्होंने करी थी, मैंने कभी भी नहीं कहा। आप गौर में जाके देखें, कोई भी वीडियो में जाके देखें, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सोनोली बॉर्डर से हूँ और मुझे इतना हिंदी पढ़ना आता ही नहीं, तो मुझे पता नहीं मैं कौन से बॉर्डर से आई हूँ। मैंने ये बताया कि हाँ बॉर्डर के बाद में पेट्रोल पंप मिला था, भारत में आते ही जैसे बॉर्डर क्रॉस करा साइड में पेट्रोल पंप था, इतना मैंने कहा कि मुझे नाम अब भी नहीं पता। आपके परिवार के सदस्य कई सारे लोग पाकिस्तानी आर्मी में हैं, इसके चलते आपको कहा जा रहा है आप आईएसआई के एजेंट हैं। पहली बात, जब मेरी सचिन की बात होती थी तब मेरे भाई मजदूर थे, 2022 में मेरे पापा के डेथ से 2 से 2.5 महीने पहले वो लगे हैं ड्यूटी में, तो जो मेरे चाचू हैं वो मेरे पैदा होने से पहले थे और मैं एक गाँव की रहने वाली हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है, मैं मोहब्बत में आई हूँ यही हकीकत है और एक दिन सब मानेंगे। आपको भरोसा है कि आपको यहीं पर रुकने दिया जाएगा, क्योंकि आसपास के लोग कह रहे हैं कि आप यहीं पर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, जबकि जांच चल रही है, जांच में जो सारी चीजें साफ निकल कर आएगी, अगर आप पाक साफ होंगी जांच में तो आप यहीं रहिए, अगर जांच में आप गलत पाई जाती हैं, दोषी पाई जाती है तो आपको सजा भी मिले। मुझे सजा कबूल है, अगर मैं दोषी पाई जाती हूँ मैं सजा से मुकरती नहीं, कबूल है। अगर मैं निर्दोष होती हूँ, सिर्फ मेरा एक ही क्राइम होता है कि मैं बगैर वीजा के आई हूँ, मोहब्बत में आई हूँ, तो प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दिया जाए। वापसी मेरे लिए मौत के अलावा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में मेरे लिए कुछ नहीं रखा। आप लोग देखते हो किस तरह गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं मुझ पर, क्या मुझे रहने देंगे? मुझे डिटेंशन सेंटर आपको मंजूर रहेगा? मतलब डिटेंशन सेंटर मतलब जहाँ पे जो अवैध लोग से, जो लोग अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करते हैं उन्हें वहाँ रखा जाता है, कहीं भी रखें, मुझे सचिन और बच्चों के साथ रखें, मैं हर कानून को, जो सा कानून रखेंगे मैं वैसा करूँ। हर तरह से जो है वो राजी है सीमा है, इनका साफ तौर से कहना है। सीमा जो एटीएस से लगातार जिनकी पूछताछ हो रही थी और उसके बाद आज फिलहाल दो दिनों से लगातार जो एटीएस से पूछताछ हुई उसके बाद आज जब वो वापस आए तो उनका साफ तौर से ये कहना है, चाहे जिस भी कंडीशन हो, कोई भी हालत हो, वो हर हाल में सचिन के साथ ही रहना चाहती हैं। कैमरा पर्सन धर्म के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। तो सीमा हैदर को आप सुन रहे थे, कह रही है कि भारत में जीवन है, पाकिस्तान में मौत है मेरे लिए, मैं मोहब्बत में हिंदुस्तान आई हूं, यही हकीकत है, एक दिन सब इस बात को मानेंगे, जीने के लिए मैं भारत आई हूं। पाकिस्तान वापस भेजे जाने के सवाल पर सीमा हैदर कहती है कि पाकिस्तान मुझे वापस भेजे जाना मतलब मुझे मौत के मुंह में धकेल देना, योगी जी मोदी जी पर मुझे यकीन है वो ऐसा मेरे साथ नहीं होने देंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।